हाय एवरीवन। सो यार आज हम लोग बात करेंगे कि यार तुम्हारे लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी PYQs के लिए स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो पढ़ने के लिए तो आपको पता है कि आपकी NCERT जो है दैट इज़ योर गॉड, आप उसी की पूजा करो। मेन मुद्दा है PYQs के लिए। तो PYQs के लिए यार अभी तक अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है NCERT फिंगर टिप्स, तो यार अभी तो मुझे बहुत कुछ मुझे लगता है मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। तो फिंगर टिप्स जो है मुझे सबसे बढ़िया बुक लगी है, इसमें थ्योरी पोर्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज NCERT बिल्कुल की वैसी ही आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चंस जो है जो कि मेन है, अभी जो आप अगर 2022 के तुम एस्पिरेंट हो तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि एक 33 ईयर्स जो है MTG की बुक आती है उसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो दिए, वो सबसे ही बढ़िया बात है, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी और कहीं नहीं देखी है। मतलब मेरे नॉलेज में ओसवाल में भी अच्छी है, बट MTG 33 ईयर्स वाली जो बुक है वो सबसे बढ़िया बुक है आपके PYQ सॉल्व करने के लिए। कम से कम लास्ट के 20 साल के क्वेश्चन जो है आप उसमें से सॉल्व करके डालो, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखो कि कब आया है। अगर वो क्वेश्चन अगर मानो कि आज से 10 साल पहले आया है लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स अब उसके आने के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये सारे पैटर्न्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइंड है बुक, जाओ उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, उसकी ब्यूटी ये है आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज जो उसमें जो है डिविजन मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड कैच। सो गो एंड बाय दैट बुक राइट नाउ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।